वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। एंड आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि मेरी सिस्टर की शादी तय हो गई है, तो उसी की शॉपिंग चल रही है। तो आज की शॉपिंग में क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और क्या क्या लूँगी। और ये ब्लॉग होपफुली आप शायद तिलक के बाद देखें, क्योंकि सामान लिया जाएगा, पर तिलक से पहले मैं इसको रिव्यू नहीं करूँगी, बिकॉज थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता बोर भी कर दे। एंड मिलते हैं कुछ देर बाद, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड मिलते हैं मार्केट में। क्या क्या लिया वो सब कुछ मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। होपफुली ब्लॉग को प्यार दें एंड मुझे सपोर्ट करें, नम्रता की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द मार्केट में। मामा बन रहे हैं बबलू मामा। जेलू तुम भी आ गए हो क्या वो कपड़ा खरीदने? चलो आ गए। गाइस हम लोग आ गए गाड़ा भंडार। हम आदेश अंटू अंटू कहाँ गए? अंटू सब लोग आए गाड़ा भंडार, साड़ियाँ देख रहे होली की तिलक के लिए। क्या साड़ियाँ लेंगे वो साड़ी हम आपके साथ शेयर करेंगे घर चल पे। अभी आप देखो इतना चक्कर भी गया है। अंटू थोड़ा सा बना दो। नहीं मैं बनाऊंगा। क्या हो गया? साड़ी जो अच्छी लगी बताया तो और इसकी की वीडियो को थोड़ा सा आप इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे कैमरे को अंटू ने हिला दिया, यानी कि मेरी चाची की बेटे ने रिकॉर्डिंग की थी, मैंने बोला थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, तो उसने पूरे कैमरे को हिला दिया है। तो थोड़ा सा आप इग्नोर करना। एंड ब्लॉग था तो मैंने सोचा इसको वीडियो को क्लिप को ऐड ही कर देती हूँ एज अ मेमोरी, तो बस मैंने डाल दिया। आप यहाँ पे हम लोग की साड़ियाँ हो गई हैं पैक, आप देख सकते हैं ऊपर है, नीचे इसको रखवा देंगे काउंटर पे। हाँ साड़ियाँ वहाँ हो गई सिलेक्ट। एंड अब हम लोग आ गए जेन सेक्शन में, गाड़ा भंडार में, गाड़ा भंडार के जेन सेक्शन में। तो यहाँ से जो है सारी परचेजिंग होगी, जो भी लेना है जीन्स के लिए, लेडीज का हो गया, अब होगा जीन्स का। और यहाँ पे आदेश लगे हैं, लगे हैं भाई। देखो चूड़ीदार कहाँ पहनेंगे बूढ़े हैं बेचारे। कोई छुई नहीं, बारिश हो रही है लखनऊ में। वाह वाह भाई क्या बात है, क्या मौसम है। पीछे भी देखो, देखिए इधर आओ, देखो आदेश ये सही तो है। नहीं नहीं वो रिंकल ला ली होगी नीचे से, देखिए देखो चाची पैंट, ये देखो देखो साइज सही, बस ये करवा लो। अब
पता नहीं इस टाइम मेरे फ़ोन में क्या हो गया, कहीं कहीं की वॉइस बिल्कुल गायब ही हो जाती है अपने आप से। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि बच्चों के कपड़े अच्छे से डिब्बे में पैक करवा देना, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को जितने भी कपड़े लिए थे वो दूसरे हम लोगों ने जाकर स्टोर पे लिए थे, क्योंकि गीता वस्त्रालय में छोटे बच्चों का मतलब वहाँ पे कोई वो नहीं था कलेक्शन। तो हम लोगों ने नेक्स्ट जगह आके सारा बच्चों का स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमने बच्चों का ख़रीदा, अपने घर के भी बच्चों के लिए यहीं से लिया था, जय एंड जय सुकई, हाँ सबका मैंने यहीं से लिया था। तो वही सबका साइज़ वगैरह हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा साइज़ आएगा, तो भाई यहाँ पे सब कुछ हम लोग अच्छे से देख रहे थे। एंड कपड़ों की जितनी भी ख़रीदारी है वो सारी चाची ने लखनऊ से की थी, मैंने खुद उनको बुलाया था ताकि एक मतलब जो क्वालिटी है वो आप अच्छे से दे पाओ, और हम लोग को देखो देना है किसी को तो अच्छे से दो। गोद भराई में हम लोगों ने दिया था कपड़े, उस टाइम चाची की तबीयत भी ख़राब थी तो उतना अच्छे से मतलब नहीं हो पाया था, तो मुझे लगा कि इस बार नहीं अच्छे से कपड़े देने चाहिए और काफ़ी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने चीज़ें बिल्कुल सेलेक्ट कर करके ली हैं कि कोई भी कपड़े में किसी भी तरह की मतलब कोई कमी ना आए, किसी को कुछ ख़राब ना लगे, अपने अकॉर्डिंग मैंने बहुत बेस्ट किया, बस होपफुली उन लोग को पसंद आए। और तो बस पार्टी वेयर होता है, हल्का बड़ा ही बनवा लो भाई, कुछ डिस्काउंट करो तो ले लो। कुछ दिन बाद ले ले, क्या जैसे ले लो हमें तो अच्छा दे दो भाई, इतना इतना स्वेटर आर्ट बहुत सही है। फाइनल हो गया बच्चों का कपड़ा पूरा, यहाँ पे बच्चों का स्टॉक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों का भी कपड़ा हो गया डन। हाँ डन हो गया, मेरा बूट बचा है, चलो अब क्या बचा है, जय का बूट बचा है, जय का बूट लेना है। और ये है बच्चों की शॉप, बहुत अच्छे कपड़े कलेक्शन, बहुत अच्छे चार चार नौ वही चार सौ पाँच रुपए लड़कियों के 13-20 एजेंस है क्या भैया, ऐसे वो पहन बॉडी का है ना, अच्छा लग रहा है ये भी। यहाँ पे सारी शॉपिंग हो गई है, कुल मिला के डन, थैले इधर है, इधर एंटू के हाथ में सारे थैले हैं। और टाइम हो रहा है रात के 8:11 और हम लोग निकले थे कितने बजे, 3 बजे के करीब में निकले थे, वॉइस थोड़ी धीमी होगी, फाइनली अभी बस थोड़ा सा और बचा है। अंटू चल चुके अपने, और ये ना बने तो इधर रख लो अपने पे, देखे पहनो दोनों बना ले। सो गाइस यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है, ठंडी भी लग रही है बारिश में, काफी ज्यादा अच्छा मौसम लग रहा है, बारिश बहुत धीमी होगी। जाने मन आपने देख लिया होगा, शॉपिंग से रिलेटेड ब्लॉग था। यस, जो तिलक में हम लोगों ने ख़रीदारी की है, जो लड़कों के घर कपड़े जाने थे वो सारे हमने लखनऊ अमीनाबाद काड़ा भंडार से खरीदे थे, क्या लेडीज़ के थे क्या जेंट्स के थे, बस मैंने बच्चों के कपड़े नहीं लिए थे क्योंकि बच्चों के उनके यहाँ नहीं था, तो जो उनके घर के बच्चे थे उनके कपड़े मतलब मुझे अदर्स उससे लेना पड़ा, बाकी जो जेंट्स के कपड़े एंड जितनी लेडीज़ थी उन सभी का कपड़ा हमने गाढ़ा भंडार से ख़रीदा था। तो कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसमें शायद उतना अच्छा नहीं मैंने दिखाया है क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि रोली के ससुराल में भी ब्लॉग देखते तो पहले से डालने कोई मतलब नहीं था, फिर वो लोग भी देख लेते और तो अच्छा भी लगता, थोड़ा सा जब एक बैग चीज़ आप कोई देखो तो ज़्यादा उसका क्रेज़ रहता है ना, और अगर आप वो चीज़ फिर दिखा दो पहले तो उसका मज़ा नहीं रह जाता है, इसलिए मैंने फटाक से ब्लॉग सोचा कि यार अपलोड कर देती हूँ। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो होगा तिलक का, कि तिलक में हमने फंक्शन को कैसे इंजॉय किया, हमारे घर से कौन कौन था कौन कौन नहीं था, वो सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो तिलक का आएगा। एंड इसके बाद मे बी जो हमने सामान और ख़रीदा जैसे घर गृहस्थी का लड़की को देने के लिए वो सब कुछ आएगा। तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को पसंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो नम्रता की दुनिया को हर घर में आप पहुँचाएँ, अपना प्यार हमको दें, सपोर्ट दें, और ऐसा
सपोर्ट दें कि घर घर में मेरी ब्लॉग्स देखे जाएँ, मुझे उतना प्यार मिले भर भर के जितना कि मैं मेहनत करी हूँ और मैं डिज़र्व करती हूँ, तो मुझे उतना प्यार तो मिलना ही चाहिए। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोग ब्लॉग देखते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, लाइक भी इधर तो काफ़ी अच्छे लाइक्स रहे, तो थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। एंड यस, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, डोंट मिस माई ब्लॉग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट से ब्लॉग आने वाले हैं, तो अपना ध्यान रखें एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।